हेलो, बहुत प्यारी लग रही हो पीली सूट में। फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा आईटा अवार्ड में, ये कैसा लगा आपको? फर्स्ट टाइम गए तो कैसे लग रहा था? बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली फर्स्ट टाइम मैंने आईटा अवार्ड अटेंड किया था। अच्छा लगा सारे फ्रेटर्निटी के लोगों को देखकर। इवन बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी सारे एक्टर्स आए थे, तो इट्स गुड टू बी पार्ट ऑफ सच अ बिग ग्रुप एंड इट फील्स रियली हंबलिंग एंड इट वाज अ वेरी नाइस। नेक्स्ट टाइम उम्मीद है जाएँ तो आप अवार्ड लेके आए, तब तक आपका शो भी और पॉपुलर हो जाए। ऑफकोर्स 100% पॉपुलर होगा, ये मुझे यकीन है, और हम काफ़ी सारे अवार्ड जीतेंगे ये भी मुझे पता है। बस अब नेक्स्ट ईयर का इंतजार है। यस सर, जिस तरह के आप क्या चल रहे, PR मीडिया बुलाए थे आपने लास्ट टाइम, अभी क्या हुआ, नेक्स्ट ट्विस्ट बताएंगे आप? जो PR बुलाए थे मीडिया के सामने आप हग किए, सब कुछ आप वो दिखाने की कोशिश किए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर कुछ नहीं, मतलब वही जैसा तैसा है। जी, तो अभी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया के सामने और बाकी बाहरी दुनिया को सबको यही लगे कि हमारे बीच में सब कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक बिजनेस डील जाने की वजह से, मतलब गई वो मेरी वजह से ही है, उसकी वजह से ऐसा ना लगे कि मुझे ही बेदखल कर या मुझसे बदसलूकी की जा रही है। तो उसी सब चीज़ों को ढकने के लिए मीडिया में थोड़ा बहुत दिखावा कर रहे हैं, जो सबकी सहमति से है, मतलब सभी भी चाहती है कि थोड़ा सा दिखावा हो जाए ताकि फिर सब कुछ शांत हो जाए, मैटर शांत हो जाए, अपनी फैमिली रेपुटेशन इमेज खराब ना। इतने सर रेता फैल चुकी है तो साबी क्या नेक्स्ट स्टेप खाएगी जो सब कुछ घर के माहौल जो बिखरा पड़ा है ठीक हो जाए और बेटर हो जाए? अभी साबी का मकसद यही चल रहा है कि जितनी जल्दी हो सके पर्दाफाश करना उस इंसान का जिसने यामिनी से ये काम करवाया, मतलब उन्होंने खुलासा किया था, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्यों किया था, उनके पास कोई मोटिव नहीं है ये करने का, और कौन करवा सकता है, कौन इतना बड़ा दुश्मन है उनका जिसने पैसे दिए उनसे ये काम करवाया, तो यही जानना है कि कौन है जो असली इंसान जो इसके पीछे। डिम्पी के भी राज खुल ही गया है कि डिम्पी इसके पीछे कुछ खेले, तो क्या करना चाहते हैं आप डिम्पी खेले? कुछ नहीं, अभी तो मैं स्टेट ऑफ शॉक में हूँ, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता ही है कि आप ढूंढने जा रहे हो पूरे जहान में और निकलता है चोर घर में। तो ये वही वाली कहानी है कि सावी हर जगह ढूंढ रही थी और पता चला कि जो चाची जी है वही निकली जो इन सब के पीछे है। तो एक कश्मकश भी है कि उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, मतलब है तो वो फैमिली मेम्बर कैसे टैकल करेंगे, बोलूँगी तो मेरी बात का यकीन माना जाएगा या नहीं, मैं तो 4 दिन हुए आए और वो तो काफ़ी टाइम से है, तो मतलब ये सारी चीज़ें शायद सावी के दिमाग में आ रही है। जिस तरह के देवेंद्रनाथ चटर्जी है चुपके शादी कर लिया, इसके बारे में क्या रिएक्शन देना चाहते, क्या बोलना चाहते हो आप? एक इतना पॉपुलर एक्टर चुपके शादी कर लिया। आई थिंक सबको अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखने का हक है। हम सेलिब्रिटीज अगर हैं तो जो हमारी सिनेमैटिक लाइफ है वो तो ऑफकोर्स आप सभी के सामने है, आप सभी के साथ शेयर करते हैं हम, बट प्राइवेट लाइफ सबको अपनी तरीके से जीने का हक है। तो आई फील उनको अगर उसमें खुशी मिलती है ना, अगर उन्हें सेफ फील होता है, उन्हें अच्छा लगता है, तो दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन। लास्ट क्वेश्चन, साबी के सवारी ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए क्या बोलना चाहते हैं फाइनली? आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, लव। ठीक, जाती है अपना नाम TV से बॉलीवुड तक। हाय, दिस इज समृद्धि शुक्ला, आप मुझे सुन रहे हैं TV से बॉलीवुड तक। थैंक यू।